नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम तो पहले ही पहुंच चुकी है फाइनल में, और अब हम बात करेंगे बची हुई तीन टीमों के बारे में और जानेंगे कि कौन सी टीम के कितने हैं चांसेस। तो बस आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में लोगों के घटते इंटरेस्ट को देखकर आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप यानी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप कराने का निर्णय लिया था, और 2019 में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई और एशेज सीरीज के साथ ही पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हुआ। और इसका फाइनल मैच 2 साल बाद यानी 2021 के जून महीने में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खिलाने का निर्णय हुआ। फिर दोस्तों, पेंडेमिक के चलते 2020 में ज्यादातर मैचेस को कैंसिल या पोस्टपोन करना पड़ा और तय किए गए समय पर फाइनल खिलाने के लिए पॉइंट सिस्टम को अपडेट करना पड़ा, जिसके बाद अब दोस्तों टेस्ट चैंपियनशिप अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। और अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज पोस्टपोन हो गई है, जिसका सीधा फायदा न्यूजीलैंड को पहुंचा है। यह दोस्तों, ये सीरीज पोस्टपोन होने के कारण न्यूजीलैंड की टीम अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। लेकिन दोस्तों, दूसरे स्पॉट के लिए फिलहाल तीन टीमों के बीच रेस चल रही है, जिसमें अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज निर्णायक साबित होने वाली है। जी हां दोस्तों, ये सीरीज ये तय कर देगी कि वो कौन सी टीम होगी जो जून में न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड के लॉर्ड्स पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी तीन टीमों के फाइनल में पहुंचने के सिनेरियोस के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टीम के बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल सबसे ज्यादा चांसेस इंडियन टीम के ही लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए चल रही सीरीज में इंडिया को इंग्लैंड को 2-0, 2-1, 3-0, 3-1 या 4-0 से हराना होगा। तो इस प्रकार अगर टेस्ट सीरीज का रिजल्ट रहता है तो इंडियन टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझे तो इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड के सामने 4 में से 2 टेस्ट मैच के साथ सीरीज जीतनी होगी। यानी इंडियन टीम इंग्लैंड के सामने 2 टेस्ट और सीरीज जीत लेती है तो इंडियन टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। या दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड से ज्यादा तो ऑस्ट्रेलियन टीम के फाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस है, जिसमें ये सीरीज इंडियन टीम 1-0 से जीते तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और इंग्लैंड 1-0, 2-0 और 2-1 से ये सीरीज जीतती है तो भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर ये सीरीज 0-0, 1-1 या 2-2 से ड्रॉ रहती है तो भी ऑस्ट्रेलियन टीम को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब इसे आसान भाषा में समझे तो इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में अगर 2 टेस्ट मैच जीत लेती है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैच जीत ना भी पाए और सीरीज को ड्रॉ कराने में भी कामयाब हो जाए तो भी ऑस्ट्रेलियन टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी टीम इंग्लैंड की। तो दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को फाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ही कम है। या दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचना है तो उसे सीरीज को 3-0, 3-1 या 4-0 से जीतनी होगी। तो दोस्तों, इसे भी आसान भाषा में समझे तो इंग्लैंड की टीम को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 3 मैचेस जीतने आवश्यक है। यानी 4 में से 3 मैच इंग्लैंड की टीम जीतती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर इंग्लैंड 4 में से 2 मैच जीतती है या सीरीज को ड्रॉ कराने में भी कामयाब हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी, और इन 4 में से 2 मैच जीतकर अगर इंडियन टीम सीरीज जीत लेती है तो इंडियन टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों, ये है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए सभी टीमों के समीकरण। लेकिन अब आप प्रेडिक्ट करके बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि चल रही सीरीज का रिजल्ट क्या होगा और कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अब आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।